सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो अभी हम लोग हैं, देख सकते हो पेट्रोल पंप। अभी हम लोग जा रहे हैं अनीसाबाद केटीएम शोरूम। अब क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग को एक बाइक बुक करना है जो कि ड्यूक 250 जैन 3 है, और वो अश्विन लेने का प्लान कर रहा है। तो हम लोग जाके आज रिव्यू भी देंगे एक अच्छा सा, और सारा कुछ बताएंगे भी उसके बारे में, और हो सके तो आज बाइक बुक भी कर देंगे। तो आप लोग को थंबनेल और टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि बुक हुआ है या नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी आज मौसम भी बहुत मस्त किया, और बारिश जैसा देखते हो तो गाड़ी पूरा गंदा हो चुका है। धो के लाए थे फिर भी गंदा हो गया। तो अभी हम लोग अभी पेट्रोल पंप पे ही हैं। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से और डायरेक्ट मिलते हैं गोप्रो पे। तो उधर के साइड ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि अनीसाबाद और फुलवाड़ी साइड कितना ही ट्रैफिक रहता है। इधर तो थोड़ा खाली खाली है, बट उधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इसी वजह से नहीं बनाए। तो जब डायरेक्ट इधर ही आएंगे तो बनाएंगे हाईवे पे, और थोड़ा ये वाला भी एंगल ऑन करते हैं। तो वही बोल रहे थे, अभी बस पहुंचने ही वाले हैं केटीएम शोरूम। और पता ही होगा आप लोगों को जो पटना में रहते हो, केटीएम शोरूम के बगल में खुल चुका है निंजा का भी शोरूम, जो कि पहले थोड़ा आगे जा कर के था, मतलब यहाँ से 6-7 किलोमीटर और आगे था, बट अब बगल में ही हो गया, तो इसके वजह से अच्छा हो गया। तो अभी जाएंगे, देखेंगे कौन सा कलर है, क्या है सारा कुछ, और जो फीचर्स होगा आप लोग को बताएंगे, और कितना प्राइस है पटना में कितना है और सब जगह कितना है, सारा कुछ आप लोग को बताएंगे। तो चलो बस आने ही वाला है, मात्र 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे शोरूम, जाके देखेंगे, देखते हैं टेस्ट राइड के लिए। और मौसम देख सकते हो क्या ही मस्त हो रहा है, लग रहा है कि एकदम लॉन्ग राइड पे निकलने वाला मौसम है, बट फिर भी घर से निकले तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि घर पर इतना अच्छा मौसम में घर पर बैठना है तो समझ ही रहे हो। और ऐसे भी ब्लॉग अब कंटिन्यू डालना है, तो इसके वजह से निकलना तो पड़ेगा ना। ओहो, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया यार, इधर सर्विस लाइन निकल गया और ये लगता हट गया है जो सर्विस सेंटर था। पहले ही स्वागत में गेट खुल रहा है, आप क्या ही चाहिए। इसको पहले निकालते हैं, फिर अंदर जाके आप लोग को दिखाते हैं। ये रहा द ऑल न्यू ड्यूक 250, देख सकते हो एकदम नया कलर वाला। ये रहा एकदम ब्लू और ब्लू मैट में है, और इधर रहा ब्लैक, ब्लू ब्लैक का कॉम्बिनेशन, और एलॉय जो है ऑरेंज है। और आगे से देख सकते हो एक बार क्या ही मस्त लुक आ रहा है, बस इसी को देखने के लिए आए थे हम लोग, और पूरा अच्छे से दिखाते हैं आप लोग को। ये देखो एकदम ऑरेंज और ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन कितना ही हैवी आ रहा है, मस्त। और फीचर्स मस्त आ गया गाइस, इसके 1000 जला सकते हो, बस आफ्टर मार्केट नहीं लगाने का जरूरत। अभी जलाए हुए देख सकते हो दोनों लाइट, और यहाँ से फिर इसको हम बंद कर सकते हैं, देखो तो बंद हो गया। और फ्रंट से लुक चेक करो इसका, इसका एक और कलर है, एक और कलर वहाँ पर लगा हुआ है, वो देख सकते हो, उतना कुछ खास नहीं लगता है, बट इसका बात अलग है। ये कलर और ये बाइक अगर कोई खड़ा कर दे सामने ना, तो आप लोग पहचान नहीं पाओगे 250 कौन सा और 390 कौन सा है, क्योंकि बिकॉज दोनों का कलर सेम आ रहा है। ये देख सकते हो उसका भी ब्लैक ब्लू है और ये भी ब्लू है, बट वो मैट में नहीं है, ग्लॉस में है, और ये मैट में है, इसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस पता चलता है, बाकी दोनों एकदम सेम है, देख सकते हो ये चीज़। और इसका बैक लाइट का देख सकते हो लुक क्या है, अलग है, मतलब कि पहले वाला बाइक से तो बहुत अलग है। और पूरा नंबर प्लेट का भी सेक्शन बहुत बड़ा हो चुका है यहाँ पे, और पीछे ऑरेंज एलॉय जो स्टार लाइट एलॉय बोलते हैं इसको, ये एलॉय है, और आगे भी तो वही है एलॉय, इसके वजह मतलब तो बाइक बहुत लाइट वेट हो गया इसकी वजह से। आगे से कॉकपिट व्यू, मतलब कि आप लोग गोप्रो या कुछ लगा के देखोगे तो ऐसा कुछ व्यू आने वाला है। और यहाँ से ये चीज़ देखो कितना ही मस्त कर दिया, ये कितना फील आता है, ये देखो आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत मस्त चीज़ हो गया ये। और इधर चेक करो, इधर 1000 लाइट का हो गया, और ये कंट्रोल डिस्प्ले कंट्रोल के लिए बटन देखो कितना स्मूथ है, मतलब वो मेरा वाला जो 390 है उसमें इतना स्मूथ नहीं है, बट इसमें बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया गया, और 390 में बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया। और एक बार डिस्प्ले मीटर ऑन करके दिखाते हैं आप लोग का, ये सीन चेक करो, एकदम रॉ कुछ पावर जैसा फील आता है कि हाँ उड़ने के लिए रेडी है। एक और चेक करते हैं आप लोग को, ये देखो 299 ऐसे तो जाता नहीं है, बस यही है बाइक। और इधर से आप लोग को दिखा सकते हैं सस्पेंशन, और इधर भी सस्पेंशन, दोनों सस्पेंशन जो है शॉकर्स जो एडजस्टेबल है, और LC4C इंजन तो 390 में भी है और इसमें भी आ गया, मतलब लिक्विड कूल। या बाकी अभी सुनते हैं अंडर वैली एग्जॉस्ट कैसा आता है, पहले इसको स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा रेव नहीं करते यार, इसमें फ्यूल नहीं है, तो आप लोग ने
सुना कैसा आ रहा है जॉर्ज साउंड, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। BS4 BS6 के से अच्छा आ रहा है या वो लोग अच्छा था, जो भी आप लोग बताओ। और रिव्यू में आप लोग को तो सारा कुछ बता दिए और एलॉय के बारे में बता दिए। हाँ, एपेक्स का डब्ल्यू भी, एपेक्स का सॉकर आता है यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे, और पीछे वाला भी सेम एपेक्स का ही आता है। टैंक का भी लुक पूरा चेंज हो चुका है, देख सकते हो। एक ही से आपको दिखाते हैं, ये देखो अंदर भी पूरा मतलब फिनिशिंग अच्छा दिया हुआ है, पेंट का भी जो है पूरा। तो ये दिखाना था बस, और इसको लगाना भी ईजी है पहले वक्त के मुताबिक, पहले थोड़ा हार्ड था। ये देखो यहाँ पे मैग्नेट दिया हुआ है, ये देखिए फील अच्छा आता है। आप लोगों को एक हिडन फीचर दिखाते हैं, ये देख चेक करो, हिडन फीचर्स, टाइप सी चार्जर, ये भी टाइप सी है, टाइप सी पॉट है, आराम से आप लोग फ़ोन चार्ज कर सकते हो बाइक को राइड करते करते। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है, और आगे भी देख सकते हो एकदम, इसमें ब्लूटूथ कनेक्शन भी है, और ये देख सकते हो ऑडियो प्लेयर इसमें भी है, आप फोन गाना कम भी सारा कुछ कर सकते हो इससे, कंट्रोलर से ऑडियो प्ले कर सकते हो, आपको सेना ये सब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाइक का लाइट वेट होने का एक मेन रीज़न आप लोग को पता होगा, क्योंकि इसमें देखो सिंगल चेसिस है, और उसमें पहले वाले बाइक में डबल आता था, तो पीछे इसमें नहीं है, सिंगल से ही काम चल चुका है, तो इसके वजह से बाइक और लाइट वेट हो चुका है। पीछे नहीं है चेसी और आगे बस सिंगल चेसी है, इसके वजह से बाइक बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो चुका है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और रिव्यू मेरा आप लोग को अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, देख सकते हो पूरा बारिश है, हो ही रहा है, घर जाते जाते पूरा भींग जाएंगे हम लोग। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, GoPro करेंगे बैग में रखेंगे, वरना भींग जाए कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर अलग ही लफेरा हो जाएगा। तो चलो।